हाय गाइस, वेलकम टू सेक्रेटेरियट। सेक्रेटेरियट में आप लोगों का स्वागत है। कल निफ्टी का एक्सपायरी, आज बैंक निफ्टी का एक्सपायरी हो चुका है। हम सब लोग ये देख चुके हैं कि बैंक निफ्टी हमारे को किस तरीके से परेशान किया होगा। बट क्या आपने सेक्रेटेरियट के ये लेवल को देखे थे कि कल का सेशन में ही मैं आपको बता दिया था कि आज मार्केट का लेवल कहाँ से कहाँ तक रह सकता है। देखिए, बिल्कुल पिन पॉइंट काम किया है ये सारे लेवल हमारा कि 19,750 के ऊपर 19,810। मैं आपको इवनिंग टाइम में एक ऑप्शन का जो वीडियोस है उस वीडियो के माध्यम से, ऑप्शन चेन कंफर्मेशन वीडियो, वो वीडियो आपको वीडियो का मिडिल पे मिल जाएगा। आप उस वीडियो को देखिएगा कि ऑप्शन चेन किस तरीके से आपको कंफर्मेशन देता है कि मार्केट गैप अप होगा कि नहीं। ओके, चलिए तो आज भी मैं वो चीज़ दिखाऊंगा, ऑप्शन चेन का कंफर्मेशन वाला वीडियो जो है वो मैं आपको बीच में प्रोवाइड जरूर करूंगा। ओके, तो देखिए यहाँ पे बात किए थे कि 19,658 जो लेवल है, इस लेवल के ऊपर अगर रहेगा तो हमारा मार्केट पॉजिटिव रहेगा और मेरा उम्मीद है कि मार्केट पॉजिटिव ओपन होगा। और कल का सेशन पे हमने BTST कॉल भी दिया था कि 19,700 कॉल आप 80 में बाइंग करो, और आज हमने उसमें 120 के नियर अबाउट प्रॉफिट बुक किए हैं। समझ रहे हैं आप? चलो, तो ये हमारा टेलीग्राम चैनल है। अगर आप नहीं जुड़े हैं तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स का लिंक से जुड़, और यहाँ पे 17,000 जो फॉलोअर्स है उनके साथ आप भी अपना प्रॉफिट ले सकते हो। ठीक है, तो देखिए ये इस तरीके से लेवल मैं कल निफ्टी का एक्सपायरी डे के लिए भी मैं बना दिया हूँ। और वहाँ पे क्या लेवल निकल के आ रहा है हमारा कि 19,800 से लेकर 19,850 एक लेवल है और 19,885 एक लेवल है। अब जो ओवरऑल व्यू है मार्केट का वो मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, देखो कल भी बहुत अच्छा डे मिलेगा क्या? देखो मैं यहाँ पे बहुत क्लियरली आपको बताऊंगा कि यहाँ पे एक लेवल मार्केट ने बना रहा होगा। ठीक है, एक लेवल मार्केट ने बना रहा होगा, 1 आवर्स का चार्ट है ये। और 1 आवर्स के चार्ट में देखिएगा कि पूरा दिन मार्केट को परेशान किया लोगों को। ठीक है, तो सबसे पहला चीज़, सबसे पहली बात आपके लिए ये है कि ये जो हाई है आज का कि 19,840, ये हाई को नोट कीजिएगा। और ये जो लो है आपका यानी कि 19,760, इस जोन के अंदर आपने ट्रेड नहीं करना है, इस जोन के अंदर ट्रेड नहीं करना है। हो सकता है कल का दिन आपको एक भी ट्रेड ना बने, एक भी ट्रेड ना बने। देखो मैं ऐसे क्यों बता रहा हूँ, मैं ऐसे बता रहा हूँ, मैं जो ग्लोबल मार्केट देखा हूँ ना, वो ग्लोबल मार्केट का सिग्नल मुझे बहुत अच्छा नहीं लगा। ठीक है, कॉल पुट का जो मैं सेलिंग प्रेशर देखा हूँ कॉल पुट का, वो मुझे दोनों साइड में सेलिंग प्रेशर लगा। तो इससे क्या होता है, दोनों साइड का सेलिंग प्रेशर मीन्स यहाँ पे सेलर हावी हो रहा है, बायर नहीं, और सेलर हावी होता है मीन्स मार्केट को एक रेंज के अंदर फंसाता है। समझ में आया आपको? चलिए अब मैं देखता हूँ यहाँ पे 5 मिनट के चार्ट के अकॉर्डिंग और 15 मिनट के चार्ट के अकॉर्डिंग कोई ट्रेड बन रहा है क्या। चलो तो यहाँ पे भी मैं वही चीज़ बताऊंगा आपको, जो ट्रेंड लाइन ड्रॉ हो रहा है बहुत क्लियरली आपको पता होगा कि ट्रेंड लाइन किस तरीके से ड्रॉ होता होगा। ठीक है, तो ये ट्रेंड लाइन देखिए, मिनिमम इस ट्रेंड लाइन को जरूर फॉलो कीजिएगा। ओके, मिनिमम इस ट्रेंड लाइन को जरूर फॉलो कीजिएगा, इसके बीच में कोई ट्रेड मत लीजिएगा। अगर मार्केट इसी का बीच में घूमता रहेगा तो हम कुछ नहीं करेंगे। अब देखो हीरो जीरो कैसे बनेगा, ध्यान से देखना कि हमारा थंबनेल पे हमने लिखे हैं कि हीरो जीरो कैसे मिलेगा। ओके, तो हमने हीरो जीरो, देखो अगर दोपहर तक इस रेंज के अंदर फंसा रहेगा, ध्यान से देखिएगा, दोपहर तक 1 बजे तक इस रेंज के अंदर फंसा रहेगा तो आपको मैं बता रहा हूं कि आप 19,850 जो है इस लेवल का कॉल के ऊपर ध्यान रखिएगा। ठीक है ना? ओके, इसका कॉल के ऊपर ध्यान रखिएगा, बहुत लोएस्ट प्रीमियम में मिलेगा। अगर देखो कंडीशन क्या है कि मुझे मार्केट 1 बजे तक इस रेंज के अंदर रहना पड़ेगा, 12 बजे तक रहने दो तो भी चलेगा, ऐसे होना चाहिए। मार्केट यूं जा रहा है, यूं रुक रहा है, यूं जा रहा है, यूं रुक रहा है, यूं जा रहा है, यूं रुक रहा है, रुकते रुकते जब 12 बजे, 12:30 बजे, 1 बजे के बाद अगर इसको ब्रेक करेगा तो 19,500 का कॉल मुश्किल से आपको 20 रुपीज का करीब मिलेगा। ओके, अगर इस तरीके से कंडीशन बना के ये ब्रेकआउट देता है तो मैं आपको कसम से बता रहा हूं, ये जो 20 रुपीज का चीज है ये 40 रुपीज एंड 60 रुपीज प्राइस आप देख सकते हो। ठीक है, नियर अबाउट 40 तो आप देख ही सकते हो। अब देखो इस चेन को अगर डाउन ब्रेक करेगा, इस चेन को अगर डाउन ब्रेक करेगा तो फिर मार्केट डाउन आ सकता है थोड़ा, पर उतनी ज्यादा प्रॉफिट नहीं बनेगा, उतनी ज्यादा प्रॉफिट नहीं बनेगा। देखो अगर इस तरीके से रुकने के बाद, इस तरीके से रुकने के बाद दोपहर के बाद यहाँ से डाउन ब्रेक करता है तो फिर यहाँ पे हमने 19,800 का पुट के ऊपर हीरो जीरो बन सकता है। समझ में आ रहा है? ओके, बट क्या मार्केट का व्यू क्या लग रहा है सर, पॉजिटिव साइड में जाएगा या नेगेटिव साइड में जाएगा? देखो थोड़ी सी व्यू अगर बात करूं तो थोड़ा सा हल्का सा क्या है, मार्केट पॉजिटिव साइड का व्यू है मेरा अभी तक। ठीक है, बट ग्लोबल मार्केट से इतना नहीं है, ग्लोबल मार्केट से बिल्कुल न्यूट्रल कम नेगेटिव व्यू है मेरा। ठीक है, ग्लोबल मार्केट से अब यहाँ पे मुझे 19,800 का लेवल पे सेलिंग प्रेशर है और 700 का लेवल पे सेलिंग प्रेशर है,
और यहाँ पे देखा जाए तो 19,900 पे सेलिंग प्रेशर है, यानी कि मार्केट का कल का जो रेंज है 700 से लेके और 800 से लेके और 900 तक और अपसाइड में 20,000 तक, यानी कि 400 पॉइंट का रेंज है, और उससे भी अगर शॉर्ट आउट किया जाए तो ये 200 पॉइंट का रेंज है। आया समझ में क्या चीज है? ओपन इंटरेस्ट हमने कैलकुलेशन किए, बट पॉजिटिव ओपन होगा, नो क्लियर सिनेरियो। ओके, नेगेटिव ओपन होगा, बिल्कुल क्लियर सिनेरियो नहीं है। तो इतना हम बता सकते हैं नियर अबाउट 800 के करीब ओपन होने वाला है। आपका हर सवाल का जवाब आई थिंक आपको मिल गया होगा। हीरो जीरो कैसे मिलेगा, पॉजिटिव ओपन होगा या नेगेटिव ओपन होगा? अच्छा, हमने जो कॉल ऑप्शन बाई कर रखे, हमने जो पुट ऑप्शन बाई कर रखे, वो इंक्रीज होगा क्या? डेफिनेटली मुझे लगता है नो, यानी कि इंक्रीज तो नहीं होगा, डिक्रीज ही होगा। बट उसके बाद आप डिसीजन लेना है कि किस तरीके से आपको रणनीति बनाना होगा। ठीक है, चलो अब मैं चलता हूँ बैंक निफ्टी में। देखो मेजर स्टॉक कौन सी है ना, रिलायंस, राइट? तो रिलायंस के ऊपर आज अच्छा खासा एक तेजी दिखाई देने के लिए मिला। आप सब लोग देखे हैं ना इस चीज को, कल का दिन पे क्या होगा ये तेजी, कल का दिन पे बरकरार रहेगा क्या? नहीं, मुझे लगता है नहीं। क्यों? क्योंकि ऑन आवर्स के चार्ट में ये रेजिस्टेंस है। देखो ये सारे चीज़ों को ना हम हमारा जो ऑनलाइन क्लास है उसके अंदर स्टेप बाय स्टेप समझाते हैं, ऐसे तो पॉसिबल नहीं है कि एक ही वीडियो के अंदर आपको मैं सब कुछ समझा दूं, है ना? तो हो सकता है कि रिलायंस ने इस रेंज के अंदर फंस जाए। ओके, आईटी के अंदर कुछ कमजोरी दिखाई दिया, राइट? कमजोरी दिखाई दिया। अब नेक्स्ट रह गया हमारा कौन सी है, एचडीएफसी बैंक एंड आईसीआईसी बैंक। इसमें क्या सिनेरियो है? तो एचडीएफसी बैंक बहुत अच्छा पॉजिटिवनेस आज के दिन पे दिखाई दिया है, बट ये पॉजिटिवनेस कब तक रुकेगा आई डोंट नो, कि ये बॉटम साइड से एक अच्छा सा रिकवरी हो रहा है। अब देखना पड़ेगा आपको कि रिकवरी कब तक स्टे होता है। ठीक है, तो एचडीएफसी बैंक में पॉजिटिवनेस है और आईसीआईसी बैंक में नेगेटिवनेस है। मतलब ओवरऑल चारों साइड से मार्केट का व्यू अगर देखा जाए तो कल का दिन न्यूट्रल व्यू आ रहा है, गोलमोल का मार्केट है, बहुत ज़्यादा परेशान करने वाला मार्केट है। आई होप कि आपको मैं तमाम साइड से समझा पा रहा हूँ, जो बाइंग एंट्री कहाँ पे लेना है, सेलिंग एंट्री कहाँ पे लेना है। अब मैं आ रहा हूँ बैंक निफ्टी में, जो कि 15 मिनट के चार्ट के साथ। ठीक है, जो हमारे स्टूडेंट लोग हैं वो सब लोग जानते हैं कि ये मूविंग एवरेज है, किस तरीके से यूज़ किया जाता है। देखो तो कल का जो ये कन्फर्मेशन था, ये हमारा हर स्टूडेंट बहुत अच्छा प्रॉफिट उठ रहा है, हर स्टूडेंट बहुत अच्छा प्रॉफिट उठ रहा है। तो हमारा जो नेक्स्ट क्लास है 25 अक्टूबर है, और ऑल ओवर इंडिया में एक ही ऐसे इंस्टीट्यूट है जो स्टूडेंट को सिखाने से पहले एक एक कॉल देके प्रॉफिट कराता है। ठीक है, आप लोग देखते होंगे कि हर रोज हमने ये ग्रुप को हम शेयर करते हैं आपके साथ कि ये एक एक कॉल दिया हूँ और परफेक्ट कॉल दिया हूँ। ठीक है, चले तो बैंक निफ्टी का जो सिनेरियो है क्या है सर? देखो बैंक निफ्टी का सपोर्ट यहाँ पे जा रहा है आपको, जो आज का लो है। ठीक है, रेजिस्टेंस जा रहा है कहाँ ना, ये जो एक स्लोप बन रहा है ना, मिनिमम मैं 44,100 के ऊपर आएगा तो भी ट्रेड करूंगा, 44,600, और ट्रेड नहीं करूंगा 44,400, 400 600, ये 200 के बीच में ट्रेड नहीं करूंगा। ठीक है ना, तो कल के दिन पे ज़्यादातर लोग निफ्टी में ट्रेड करना चाहते हैं, बट मैं कहूँगा कि आप अगर रिस्क लेना नहीं चाहते हो तो एक्सपायरी डे का थोड़ा सा अवॉइड कीजिए, एक्सपायरी डे का मोमेंटम अगर आपको समझ में आता है तभी जाके ट्रेड कीजिएगा। तो चलिए गाइस, स्टॉक में ट्रेड करो, बहुत मज़ा आएगा। आज मैं स्टॉक में ट्रेड किया हूँ और ग्रासिम के अंदर मैं 20,000 से ऊपर का प्रॉफिट जनरेट किया हूँ, विप्रो के अंदर प्रॉफिट जनरेट किया हूँ, हिंदुस्तान यूनिलीवर के ऊपर हमने प्रॉफिट जनरेट किए हैं। तो मैक्सिमम ट्रेड मेरा आज स्टॉक ऑप्शन और स्टॉक फ्यूचर के ऊपर रहा है। चलिए गाइस, आज के वीडियो में इतना ही। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।